अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा डे है और आज हम आए हुए हैं दुआ रेस्टोरेंट में। और ये जो दुआ रेस्टोरेंट है, ये ऑक्स बे पर बना है और न्यू बना है। इसको बने में सिर्फ एक साल हुए हैं। आज ईद का तीसरा दिन था। हम लोग पहली और दूसरी ईद पे कहीं पर भी घूमने नहीं गए थे, हम लोग घर पर ही थे। तो हमने कज़न्स वगैरह ने सब ने प्रोग्राम बनाया कि ईद का आज तीसरा दिन है, चलो आज कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं। और हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ था दुआ रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा बना हुआ है, साहिल पर बना हुआ है। तो हमने वहाँ का प्रोग्राम बनाया और हम लोग यहाँ पर आ गए। हमारे घर से 2 घंटे का रास्ता है, पर बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया हमने। हॉक्स बे पर ये बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर फैमिली आई हुई थी, ईद का तीसरा दिन था। आप देख सकते हैं कितना रश है, शाम का टाइम था, असर मगरिब के टाइम आए थे हम लोग। और यहाँ पर असर मगरिब के टाइम ही आना चाहिए, क्योंकि आप जब समंदर देखना चाहते हैं तो दिन में देखें ज़्यादा मज़ा आता है। जब हमने देखा तो वाओ, ब्यूटीफुल, सब कुछ इतना अच्छा लगा, हसीन मंजर था, बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा था ये देखने में। कुछ लोग वहाँ पर नहा रहे थे, हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। आप देखें वीडियो पे, समंदर बहुत खूबसूरत लग रहा था। समंदर पे जाना तो सबको ही अच्छा लगता है, वहाँ की जो हवा होती है फ्रेश, ठंडी ठंडी, सब फ्रेश हो जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। देखें वहाँ पे नमाज भी पढ़ रहे थे, इबादत भी अपनी कर रहे थे, इंजॉयमेंट भी हो रहा था। हम ये सारा नज़ारा देख रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं शेयर करूँगी, मेरे फ्रेंड्स देखेंगे ये वीडियो। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जब शाम हो गई तो यहाँ पे इन्होंने लाइटिंग कर दी हट में, और नज़ारा बिल्कुल चेंज हो गया, खूबसूरत लग रहा था। सब लोग यहाँ पर लगे हुए थे वीडियो बनाने में, पिक्स लेने में, क्योंकि नज़ारा इतना हसीन था। मुझे सी साइड बहुत पसंद है, अम्मी को भी बहुत पसंद है, हम सब कज़न्स यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। हमने देखा यहाँ पर, बहुत मज़ा आया हमें। पहला दिन, दूसरा दिन तो घर में गुज़रा, मेहमानों में गुज़रा, घर में सब आए थे। तो हमने थर्ड डे को यहाँ का प्रोग्राम बनाया कि चलें हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ताकि हम भी ईद मनाएं, इंजॉय करें। तो फिर हम लोग ने यहाँ का प्रोग्राम बनाया, इसका नाम है रेस्टोरेंट दुआ रेस्टोरेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग भी आइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर 1 साल हुए हैं इसको बने हुए, और जो लोग अभी आ रहे हैं उनको अभी मालूमात हुई है, इसलिए अभी आ रहे हैं। कुछ लोग पहले आ चुके हैं, पर मैं और हमारे कज़न, हमारी फैमिली, तो हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे और हमें बहुत मज़ा आया। आप ये देखें, बोट भी चल रही थी यहाँ पर, मुझे तो देख कर ही डर सा लग रहा था, क्योंकि मैं नहीं कर सकती भाई ये समंदर के अंदर बोट में जाना, मेरा, मुझे तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, मैंने कभी की भी नहीं है। अम्मी को भी मेरे इस तरह डर लगता है, बस हम सी साइड में जाते हैं तो बस थोड़ा से पैर गीले कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग करते हैं, सबकी अपनी अपनी बात है। फिर आप देखें यहाँ पर शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, बिल्कुल व्यू चेंज हो गया था, शाम होने लग गई थी, अंधेरा आ गया था। और ऐसी बात है, जब अंधेरा हो जाता है तो समंदर का कलर डार्क हो जाता है, और अंदर का नज़ारा जो दुआ रेस्टोरेंट का था और हसीन हो गया था नज़ारा। ऊपर चाँद भी था, आप देख सकते हैं ईद के तीसरे दिन का चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाना था, तो हमने खाना खाने के लिए, हम लोग हैंड वॉश करने के लिए जा रहे थे, वॉशरूम हम ढूंढ रहे थे कि हमें हैंड वॉश करना है। तो मैंने वीडियो बना ली, मैंने कहा चलें वीडियो बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। इस होटल में ये ख़ास बात थी, जहाँ पर भी जाओ हर चीज़ खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आ रही थी। ये देखें, ये लेडीज़ वॉशरूम है यहाँ पर, हैंड वॉश करने के लिए हम लोग आए थे। और ये जेंट्स वॉशरूम है, यहाँ पर जेंट्स थे। ठीक है, देखें कितना अच्छा बना है, वह खूबसूरत माशाल्लाह से।
हम मेन्यू देख रहे थे कि हमें क्या खाना है, तो सब ने डिसाइड किया कि हम लोग हांडी मंगाते हैं, चिकन हांडी बोनलेस वाली, वो हमने यहाँ पर मंगाई थी। और मेन्यू में तो बहुत सारी चीज़ें थीं, फिर जब सब ने हांडी का ही बोला कि चिकन हांडी मंगाते हैं यहाँ की, टेस्ट करते हैं कैसी है, तो यही डिसाइड हुआ। चिकन हांडी आ गई थी बोनलेस में, सलाद था, रायता था, रोटियां थी, कोल्ड ड्रिंक भी थी, मगर वो थोड़ा लेट हो गई क्योंकि सर्विस थोड़ी सी स्लो थी यहाँ पर, इस वजह से क्योंकि ईद थी और सब हट फुल थे। तो आप ये देख सकते हैं, यम्मी यम्मी लग रही है, टेस्टी और बहुत मज़े की थी, मज़ा आ गया हमें। आप ये देखें कितना खूबसूरत हट था, हमारे हट का नंबर था 12। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ लोगों ने बाहर टेबल पर बैठे हुए थे, पर मैंने कहा कि हम लोग हट में बैठेंगे, मुझे अच्छा लग रहा था। फिर हमने खाना खा लिया, खाना खा के हम जब फ्री हो गए तो हम घर की तरफ रवाना हुए, क्योंकि रात हो गई थी, दूर का रास्ता था, इस वजह से हमें टाइम पे घर पे जाना था। तो आप ये देखें, ये इनका किचन है दुआ रेस्टोरेंट का, ये पूरा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। ये किचन है, यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार होती हैं जो हम लोग वहाँ पर ऑर्डर देकर बनवाते हैं खाने के लिए। ये गेट था बाहर जाने का, तो हम लोग जा रहे थे, फिर हमने उस साइड देखा, वहाँ पर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड था, तो हमने कहा चले वहाँ पर भी चलते हैं, ज़रा देख कर आते हैं, क्योंकि जब इंसान फर्स्ट टाइम आता है तो हर चीज़ देखता है, उसको अच्छा लगता है, उसके लिए हर चीज़ न्यू होती है। तो हम लोग आगे की तरफ गए, बच्चों का प्लेग्राउंड देखा हमने, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ये पूरा डेकोरेट हुआ हुआ है दुआ रेस्टोरेंट। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मा ये आपकी बेटी का रेस्टोरेंट है, उन्होंने कहा वो कैसे, मैंने कहा दुआ रेस्टोरेंट, आपकी बेटी का नाम दुआ है ना, तो इसलिए आप बेटी के रेस्टोरेंट में आई हो। तो अम्मी मेरी हंसने लगी कि नहीं हाँ ठीक है इंशाल्लाह। ये पान शॉप थी, वहाँ पर बहुत अच्छा पान बना रहे थे स्पेशल, और इस पान का नाम भी दुआ पान शॉप था, यानी कि यहाँ पर हर चीज़, होटल भी, जो भी चीज़ थी, एवरीथिंग, उसका नाम दुआ था। ठीक है, और ये पान बड़ा ज़बरदस्त बना रहे थे, न्यू स्टाइल से बना रहे थे, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। और ये कहते हैं मैं सबसे डिफरेंट पान बनाता हूँ, इन्होंने बादाम भी रखा हर पान के ऊपर, फिर काजू भी रखा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाला उन्होंने हर पान के ऊपर, बहुत टेस्टी पान बनाया था, बहुत मज़े का पान था। पान खाने के बाद हम बाहर आ गए थे, ये बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर आइएगा, और फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा जो नए आए हैं, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अच्छा सा कमेंट्स दें, बताएँ आपको ये रेस्टोरेंट कैसा लगा, और आप लोग ज़रूर आइएगा इस रेस्टोरेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।